जमीन साल 1988 में रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आज तक कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। इस फिल्म में डायरेक्टर रमेश ने विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को बतौर स्टार लिया था। काफी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, पर फिल्म का कुछ भाग शूट होना बाकी रह गया था। बाद में किसी वजह से शूटिंग पूरी नहीं की जा सकी और इस वजह से ही फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। अगर ये फिल्म रिलीज होती तो श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म होती। दो, गर्जना फिल्म चांदनी की बड़ी सफलता के साथ ही डायरेक्टर के आर रेड्डी श्रीदेवी, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बनाने का मन बना रखे थे, जिसका नाम था गर्जना। फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो ही गई थी, साथ ही साथ फिल्म का ट्रेलर तक लॉन्च कर दिया गया था। फिल्म के स्टार्स और प्रोड्यूसर के बीच एक बहस की वजह से काफी अनबन हो गई थी और फिल्म तब से लेकर आज का कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। तीन, महाराजा श्रीदेवी और अनिल कपूर स्टार फिल्म महाराजा भी आज तक कभी रिलीज नहीं हुई। दरअसल डायरेक्टर अनिल शर्मा ने साल 1990 में अनिल और श्रीदेवी के साथ ये फिल्म बनाने का विचार बनाया था। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर शूटिंग की कुछ दिक्कतें हो गई और फिल्म नहीं शूट हो पाई। फिर साल 1998 में ये फिल्म इसी नाम से रिलीज हुई, पर इसमें श्रीदेवी और अनिल की जगह गोविंदा और मनीषा को इराला ने लीड रोल किया था। चार, गोविंदा श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म गोविंदा का भी कोई पता नहीं चला। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने कहा था श्रीदेवी के साथ उनकी एक फिल्म गोविंदा आने वाली है। इस फिल्म के लिए दोनों ने खूब फोटोशूट भी करवाया, पर किसी वजह से कब बन ही नहीं पाई। पाँच, तीरंदाज श्रीदेवी और सनी देओल को लेकर डायरेक्टर मनमोहन सिंह फिल्म तीरंदाज बनाना चाहते थे। डायरेक्टर मनमोहन ने फिल्म चांदनी में श्रीदेवी सहित सभी एक्टर्स को कोरियोग्राफ किया था। मनमोहन ने फिल्म के बनने की घोषणा तो कर दी थी, पर ये फिल्म रिलीज होना तो दूर कभी बन भी नहीं पाई।